उस पे ध्यान देना है, देखे ध्यान से। क्वेश्चन था 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13, 5 upon x minus 4 upon y is equal to -2। मेथड का नाम है रिड्यूसिबल मेथड। पता कैसे लगा ये लगाना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नीचे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 upon x को लेंगे a और 1 upon y को लेंगे b, जो भी नीचे हो। अगर रूट एक्स होता तो 1 upon √x को a, 1 upon √y को b, कुछ और होता तो उसको a, दूसरे को b। तो यहां पर x वाई अपॉन में या y अपॉन में, तो हमें 1 upon x को a लेना है और 1 upon y को b लेना है। सो नाउ अब ये 2 upon x है, इसको आप लिखिए 2 into 1 upon x। तो 2 तो आपका 2 रहेगा, ये जो 1 upon x है आपका a हो जाएगा। तो ये आएगा 2a plus 3b is equal to 13। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ये सेकंड थी, और ये हमारे पास थर्ड आ गई, 2a plus 3b is equal to 13, इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे चलिए, ये आपकी क्या हो जाएगी 5a, ये हो जाएगी 5a minus 4b is equal to -2, ये आएगी इक्वेशन नंबर फोर। बोलिए, यहां तो कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलिए स्पीड से। नो सर, नहीं है। क्या किया, 1 upon x को a, 1 upon y को b, तो ये हो गया 2a, ये 3a, ये 5a, 4b। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने मर्जी आपकी है, चाहे आप क्रॉस लगाइए, चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, कुछ लिखा नहीं आएगा, जो आपका मन करे आप वो लगाइए। यहीं तक का मैटर चेंज है, आगे वही है जो आप तक करते आ रहे हैं, साथ साथ नोट करिए और साथ साथ चलिएगा। आइए अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहां पर 2 है, यहां 5 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसको करते हैं 2 से, 5 2 10a plus 15b equals to 65, 2 से करते हैं, साथ साथ करते रहिएगा भाई, 2 5 10a minus 8b equals to -4। साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 15 है, प्लस का 8 है, 15 plus 8 कितना होता है 23b is equal to, यहां पर आइए 65 plus 4 is 69, इसको अपॉन में लेके जाएंगे, 23 1 जाए 23 3 जा, सो द वैल्यू ऑफ बी इज 3। बोले कोई डाउट है क्या, बोले कोई डाउट है क्या भाई, साथ साथ बोल करो यार। चलिए आगे, लिए ये आपकी वैल्यू बी की आ गई। चलते हैं फ्रॉम थर्ड, आइए थर्ड पर, ये आपका 2a है, ये आपका प्लस है, ये आपका 3 है और ये आपका b है, एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3 is equal to 13। वैल्यू ऑफ b इज 3 is equal to क्या आ गया आपका 13। चलिए 3 3 9, 2a plus 9 equals to 13, 2a is equal to 6, now sorry 4, now a equals to 2। बोले को डाउट है क्या, बोले को डाउट है किसी को? नो सर। आर्यन कुमार? नो सर। चलिए, ये वही था जो आपने किया। अब आते हैं, बट क्वेश्चन एक्स और वाई की फॉर्म में था, तो वैल्यू आपको एक्स और वाई की फाइंड करनी है। हमारे पास जो भी वैल्यू आई है वो ए और बी की आई है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आपकी जो ए है वो 1 2 आया, आपका जो ए है वो कितना आया 2, बट आपका जो a था वो किसके इक्वल था 1 upon x के, आपका जो b था वो किसके इक्वल था 1 upon y के। सो a की वैल्यू 1 upon x equals to 7, कोमा b कितना है 3, सो 1 upon y is equal to 3, ये 2 है सॉरी, 1 upon x equals to 2 and 1 upon y is equal to 3। बोले को डाउट है क्या, कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए, नो सर, उल्टा करते हैं, इसका 1, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x equals to 1, 3y is equal to 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज 1 upon 2 and y is 1 upon 3, आंसर। बोलिए कोई डाउट है किसी? नो सर। सर नोट कर लिया सबने? यस सर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ध्यान साथ साथ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, 1 upon 2 root x plus 1 upon 3 root y equals to 2,
एन वन अपॉन थ्री रूट एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट वाई क्वेश्चन 13 अपॉन 6 सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है। जी आकांक्षा कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? आकांक्षा सर मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे? रिड्यूसिबल मेथड। रिड्यूसिंग मेथड। आइए रिड्यूसिबल में क्या करते हैं, देखो यहां पर वन है, ऊपर तो वन ही लेना है हमेशा, नीचे कौन है रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स को क्या लेंगे ए, लेने को टू साथ ले सकते थे बट दोनों में टू और थ्री डिफरेंट आ रहा है, नीचे सिर्फ वो लेते हैं जो सेम हो, यहाँ पर रूट एक्स सेम है और यहाँ रूट वाई सेम है, तो लेट वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए एंड वन अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी, वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए एंड वन अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। बताइए वंशिका क्या बनेगी इक्वेशन? वंशिका सर ए अपॉन टू प्लस बी a upon 2 plus b upon 3 is equal to 2. Right, ये बनेगी क्योंकि 1 upon root x को आपने a ले लिया, नीचे 2 था तो नीचे 2 आया, ऊपर होगा ऊपर आएगा, नीचे होगा नीचे आएगा, वेरिएबल ऊपर चला जाएगा, तो जो 1 upon root x था ये तो a आ गया और 2 हमारा नीचे आ गया, 1 upon root y b आ गया और नीचे हमारा 3 आ गया equals to 2, दोनों में क्या लेंगे LCM, LCM कितना आएगा 6, ये आएगा 3a plus 2b equals to 2, तो equation आएगी 3a plus 2b equals to 12, equation number 3rd. बोले कोई डाउट है क्या? जी अब्दुल असीब बताइए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? अब्दुल असीब सर यस बताइए, ये तो इससे बनी, इससे क्या बनेगी सर यस बताओ क्या लिखूं सर, किससे सर a upon a b सर क्या लिखूं, 3 ना प्लस कर देंगे, अरे भैया नेक्स्ट अक्षत गर्ग सर मैं भी आया सर इसी क्वेश्चन में, यस सर बताइए क्या बनेगी क्वेश्चन, अरे बोलो भाई सर क्या बनेगी ए अपॉन थ्री, यस ए अपॉन थ्री, भाई वन अपॉन रूट एक्स ए हो गया जो थ्री जो नीचे आ गया, ए अपॉन थ्री आगे सब बी अपॉन प्लस बी अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, क्लियर है? चलिए दोनों में क्या लेंगे एलसीएम, दोनों में एलसीएम 6 आएगा, 6 आएगा ऊपर होगा 2a plus 3b equals to 13 upon 6, 6 कट जाएगा, so 2a plus 3b equals to 13, equation number 4, बोलिए कोई डाउट है यहां तक? बोलिए कोई डाउट है? नो सर नो सर सबको क्लियर है बॉयज में? यस सर। चलिए आजी आगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं, अमर जी आप ठीक है, चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे क्रॉस, बताइए कौन सा लगाऊं, क्रॉस लगा दें? आइए यस सर, ए अपॉन बी अपॉन माइनस वन अपॉन सब्स्टिट्यूशन लगा दो, चलो तो लगा ले बस, ए अपॉन ए पर आइए, पहले ए लेते हैं, देखो ए में यहां पर कौन है 3, फिर कौन आएगा 2, फिर कौन है 2 और 3, कोई भी लगा लो आंसर एक ही आना यार, बी पर आओ, जब बी लेंगे तो क्या आएगा, सही लिखा है क्या मैंने, अरे सही लिखा है गलत लिखा है सर, रॉन्ग लिखा है, अच्छा चलो फिर सही बताओ, बताओ क्या लिखो सर, बताइए क्या लिखो फिर, बताओ सुनिया क्या लिखूं सर, जब बी लेंगे बी को दबा देंगे, फिर कौन आएगा, पहले कॉन्स्टेंट आएगा 12 और 13, फिर कौन आएगा 2 एंड 3, फिर माइनस 1 लेंगे तो आपका आएगा 3 2 2 3, बोलो को डाउट अब सही है, यस सर अब तो ठीक है, चलिए a अपॉन 13 टू जा 26 माइनस 12 थी 36, b अपॉन 12 थी 36 माइनस 13 टू जा 26 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 4, बोले को डाउट है क्या सर? जी सर वन के अपॉन में सर, बोलो बोलो 2 अपॉन 3 आना चाहिए ना सर, है बेटा
क्या कह रहे हो अक्षत बोलो, इसने म्यूट करो, म्यूट करो अक्षत बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ सर पहले 2/3 आएगा और बाद में 3/2 आएगा, मतलब पहले आप ये कह रहे हो माइनस वन के जो 2/3 और 3/2 आना चाहिए। यस सर। देखो यहाँ पर अब दो इक्वेशन बन रही है, एक 3a + 2b = 12 और दूसरी बन रही है 2a + 3b = 13। बताओ कौन आएगा, पहले ये आएगा और फिर ये आएगा। तो सर फिर तो बी वाले में नीचे गलत है ना सर, हमने सब बी में रोंग कर दिया, सभी में 3/2 आएगा। हाँ बी में 3/2 आएगा, ठीक है ना, साथ साथ बोला करो। आइए ध्यान से, 12 = 24 - 13 = 39 अब राइट है, ठीक हो गई बात अब, ठीक है। चलिए और सारे मजे ले रहे हैं बस। ए अपॉन 26 - 36 - 10, बी अपॉन 24 - 39 - 15 - 1/5। कंपेयरिंग करते हैं, a upon -10 = -1/5, कोमा b upon -15 = -1/5, 5 × 10, 5 × 15, the value of a is 2 and the value of b is 3। बोले को डाउट है क्या? नो सर। आइए पुट करिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 1/√x, वैल्यू ऑफ बी इज 1/√y, बोले को डाउट है क्या? कोई डाउट है भाई? नो सर। नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नो सर। जिसका कोई नहीं उसका वन, जिसका कोई नहीं उसका वन। यहां पे कौन आ रहा है? अरे कौन है ये? √x। जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जैसे रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1/x = this, 1/y = this। बोलिए को डाउट है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, x = 1/4 एंड y = 1/9। बोलो को डाउट है क्या? नो सर। नहीं है, चलो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नोट कर लिया सबने? यस सर। चलिए यस सर, आइए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व लिखिए 30/(x − y) +44/(x + y) = 10, इक्वेशन नंबर 1। 40/(x − y) +55/(x + y) = 13, इक्वेशन नंबर 2। 30, 44, 10, x − y, x + y, 40, 55, and 13, x − x + y। चलिए आइए ध्यान से। जी रिया कामरा, yes, बताइए किसको ए लेंगे किसको बी लेंगे? सर 1/(x − y) को ए लेंगे और 1/(x − y) = b and 1/(x + y) = b, x − y = a and 1/(x + y) = b। कोई प्रॉब्लम है अब? जी आर्यन गर्ग बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी आओ भाई। बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? चलिए नेक्स्ट, आर्यन कुमार सर। यस सर। बताइए क्या आएगी? उदित मित्तल। आर्यन गर्ग कुमार। कुमार कुमार सर बताओ सर क्या? बताओ क्या इक्वेशन आएगी, क्या लिखूं अब सर? सर 30a 30a प्लस प्लस 44b 44b
इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड आएगी लास्ट, नेक्स्ट आएगी 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर फोर। दोनों सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने मर्जी आपकी है, चाहे एलिमिनेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन और चाहे क्रॉस, जो चाहे वो लगा लीजिए। आइए अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन 30a प्लस 40, वही लगाते हैं यार एलिमिनेशन, छोड़ो। देखिए ध्यान से एक चीज नोटिस करना, यहां पर कौन है 30, यहां कौन है 40, दोनों में एक चीज सेम है, जीरो, जीरो सेम है ना, तो यहां पर फालतू कौन है 4, यहां 3, तो इसको 4 से इसको 3 से, वैसे तो 40 और 30 से करते, बट जीरो दोनों में है, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक को 4 से और एक को 3 से। ये हो जाएगा 4 3 12 120 ए, 4 4 जा 16 और 117, दिस बी इक्वल्स टू 40। 3 से करते हैं 120 ए प्लस 3 5 जा 15 रिमाइंडर 1 एंड 16 165 बी, 13 3 जा 39, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, दिस टू दिस कैंसिल, 176 माइनस 165 इज 11, बी इज इक्वल टू 1, 11b is equal to 1. So the value of b is 1 upon 11. बोले कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे. From third. From third. आइए थर्ड पुट करते हैं. ये आएगा 30a plus 44 same. The value of b is 1 upon 11 is equal to 10. 11 4 जा 44. 30a plus 4 equals to 10. ये 4 plus का जाके minus का होगा. 30a equals to 10 minus 4. 30a is equal to 6. A is equal to 6 upon 30. Then a is equal to 1 upon 5. बोले को doubt है क्या? ये तो सब हुआ जो आप कर चुके पहले ही. थोड़ा स्पीड चलो तुम्हारी वजह से ही कि तुम्हारा 11 10 पे बैच है. पर टाइम का डिस्कशन करो क्योंकि अब बैच सेंटर पे होगा. बॉडी बड़ा चाहिएगा, टाइमिंग चेंज कर देंगे, बता देना क्या टाइम करना सेट करना है इसी तरीके से। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक? ओके सर। नो सर। हो गया क्लियर? नो सर। नो सर। चलिए आगे आइए। यस सर। इसको हटा रहा हूँ। आइए ध्यान से। ए, ए क्या था? 1 upon x minus y, किसके इक्वल? 1 upon 5 के इक्वल, कोमा। बी क्या था? 1 upon x plus y, किसके इक्वल? 1 अपॉन 11 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5, एंड x प्लस y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 6। बोलो कोई डाउट है क्या? बोले कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, वी कॉल ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, माइनस y माइनस y माइनस 2y, 5 minus this is minus 6, minus minus cancel, 2, 3, just 6, the value of y is 3. From 5th, x minus 3 equals to 5, then x equals to 8. Boli ko doubt hai kya? Boli ko doubt hai kya? No sir. No sir. Clear hai sabko? Akshat clear hai beta? Yes sir. Akshat? Yes sir. चलिए ये नोट कर लीजिए, टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, अब आपकी स्टार्ट होगी वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ी टिपिकल है, टाइम लेंगी, इसलिए कल का टाइम मैं बता दूंगा क्या करना है अभी आपको, या तो एक काम करते हैं 11:30 कर लेते हैं, 11:30 आपको जो भी करना है उससे पहले कर लो, और ये कर लो आप जाके मेरा वैसे सिंपल दोपहर को 2 बजे या फिर कर लो आप 1 बजे, इन तीनों जो सा टाइम कंफर्टेबल मुझे फोन करके बताइए आप। सर 12 बजे नहीं ठीक है क्या? सर 11:30 बजे तो कंसल्टेंट क्लास है। किसकी? 12 बजे कंसल्टेंट। चलिए अभी व्हाट्सएप पे टाइम डालते हैं, देखते हैं क्या करना है, पहले इसको नोट करो, मैं करता हूँ बात अभी। चलिए कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। नोट करियो, होमवर्क नोट कर लीजिए, जा लिखिए होमवर्क। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 ओनली,
इसके पार्ट है 1, 2, 8, बस ये 8 ही क्वेश्चन करने हैं आज। वंशिका, वंशिका यस सर, ग्रुप में इसकी यस सर क्वेश्चन और आंसर दोनों की पिक सेंड कर दो। ओके सर। कल फीस किसकी आई थी भाई? उदित सर मेरी। यस सर। फीस पेंडिंग है, रिपोर्ट कराइए। तुम बार बार खिलाते रहो यार। चलिए ठीक है।